मैं आपको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में बताया था। जीवन रेखाएं क्या थी? परिवहन के जो साधन है वह जीवन रेखाएं थी, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, थल मार्ग से सड़क परिवहन, जल मार्ग से और वायु मार्ग से। तो इस तरह से हमने देखा था कि क्या क्या ये जो परिवहन के साधन है इनके माध्यम से हमने क्या किया विकास में, ये आर्थिक विकास में बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। अब विकास में सहायक कैसे सिद्ध हुए वे, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्पादित वस्तुओं को हम परिवहन के माध्यम से ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ला सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रमुख समुद्री पत्तन। हम आखिरी में देख रहे थे परिवहन जो जल मार्ग के बारे में, जिसमें प्रमुख समुद्री पत्तन, पत्तन मतलब जहाँ पर ये छोटे छोटे पत्तन होते हैं, जहाँ पर विदेशी व्यापार हम संचालित करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्वतंत्रता की प्राप्ति के कक्ष में कांडा पत्तन जो है ये पत्तन के रूप में सबसे पहले विकसित किया गया था। फिर देश के विभाजन के से कराची जो पत्तन था उसकी कमी को पूरा करने के लिए और व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए हमने कहते थे कांडला, जिसे कि दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो पत्तन क्या है, पत्तन वह है जहां पर हम माल को उतार कर रखने मतलब लाने ले जाने के लिए थोड़ी देर के लिए वहां पर सामान को रखते हैं, वह पत्तन कहलाता है। मतलब यातायात के लिए, परिवहन के लिए हम जिस तरह से कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है जहाँ पर कि थोड़ी देर के लिए जहाजें रुकती है, जहाँ पर माल को चढ़ाया या उतारा जाता है। और यहाँ पर एक जो है वह ज्वारीय पत्तन भी है, वह हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात उद्योग खाद्यान्न आयात निर्यात के लिए यहाँ पर संचालित किया जाता है। फिर मुंबई में बृहत्तम पत्तन है, मुंबई में जो है सबसे बड़ा पत्तन है जो प्राकृतिक खुले मतलब यहाँ पर जो है प्राकृतिक खुले विस्तृत रूप में यहाँ पर पोताश्रय सुचारू रूप से चलती है। यहाँ पर पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर जवाहरलाल नेहरू पत्तन के रूप में इसको विकसित किया गया था। और इस पत्तन में सुविधा प्रदान कर सके, इसमें लोग अयस्क निर्यात कर सके, और मालगांव पत्तन महत्वपूर्ण पत्तन है जिसमें कि निर्यात का आधा जो 50% लोहा अयस्क जो है वह निर्यात किया जाता है। फिर यहाँ पर न्यू मैंगलोर है, यहाँ पर भी प्रमुख जो केंद्र है वह प्रमुख खानों से निकाले गए लोहा अयस्क का निर्यात करता है। और साथ ही साथ जो पूर्वी तट के जो है तमिलनाडु दक्षिण क्षेत्र पूर्वी छोर में भी पत्तन है, वहाँ पर भी प्राकृतिक पोताश्रय है, मतलब वहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से वहाँ पर वह स्थान बना हुआ है उसको बनाया नहीं गया, मतलब प्राकृतिक रूप से ही जो है उसको ही हम पत्तन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। उसी तरह से हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका है, मालदीव है आदि जो है ये भारत के जो तटीय क्षेत्रों का विभिन्न वस्तु व्यापार करने के लिए उसको संचालित करता है। और चेन्नई में जो है हमारा प्राचीन कृत्रिम पत्तन है, यहाँ पर मतलब ये प्राकृतिक रूप से नहीं बना है, इसको बनाया गया है इसलिए कृत्रिम पत्तन कहा गया है। और फिर कई जैसे विशाखापट्टनम के स्थल से घिरा हुआ है गहरा सुरक्षित पत्तन है, कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। फिर उसके बाद विकसित किया गया जो उड़ीसा के स्थित पारदीप जो पत्तन है वहाँ पर विशेष रूप से लोह अयस्क का निर्यात करता है। और कोलकाता में जो है स्थलीय नदी है पत्तन है, वहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, बेसिन बृहत और समृद्ध पृष्ठभूमि सेवाएं प्रदान करता है। और ज्वारीय पत्तन होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, हुगली में जो तलछट जमाव है उसके रूप में भी इसको नियमित साफ करना पड़ता है। और कोलकाता में पत्तन के बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया में सहायक पत्तन के रूप में इसको विकसित किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे फिर है वायु परिवहन। आज हम वायु परिवहन के तीव्रतम और आरामदायक प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे उच्च ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल, घने जंगलों में और लंबे समुद्री रास्तों के रूप में सुगमता से उसको हम पार कर सकते हैं। और वायु परिवहन के अभाव में देश के पूर्वी राज्यों में से हमें सोचे तो वहां पर बड़ी बड़ी नदियां, विचित्र धरातल, घने जंगल। और एक सामान्य बात यह है कि हवाई यात्रा ने इसे भी अधिक अभिगम्य बना दिया। स्वाभाविक है वायु मार्ग के माध्यम से हम सबसे कम समय में और जल्दी वहां पर आसानी से पहुंच जाते हैं, और जहां पर सड़क और रेल के माध्यम से पहुंचना कठिन है वहां पर हम वायु मार्ग के माध्यम से आसानी से हम पहुंच जाते हैं। जिस तरह पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय जो परिवहन प्रक्रियाओं में अगम्य
पवन है 46 का आफ्टर लिमिटेड तेल प्राकृतिक गैस में जो इसकी आपत्ति जो सक्रियता है ये अगम दुर्लभ भागों में उत्तर पूर्वी राज्यों में जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड में आंतरिक क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाता है। जिस तरह से आप लोग देखते हो उत्तराखंड वगैरह में जब भूस्खलन हो जाता है जहां से हम रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा हम वहां पहुंच नहीं पाते हैं तो वह एयर इंडिया के द्वारा एयरलिफ्ट के द्वारा या हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां पर मदद पहुंचाया जाता है और वहां के लोगों को एयरलिफ्ट करके उनको बचाने का कार्य किया जाता है। इसी तरह से एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम जो है देखेंगे यहाँ पर कई सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में ही इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने में विशेष प्रबंध किए गए हैं। फिर है संचार सेवाएं। संचार सेवाएं मतलब जो दूरभाष की जो सुविधाएं हैं जिसको कि हम आसानी से हम एक स्थान पर ही रहकर इस संचार माध्यम का हम प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से हम सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि फोन द्वारा, समाचार पत्र द्वारा, टीवी द्वारा और पत्र पत्रिकाओं द्वारा, ये सारी चीजें जो क्या है ये संचार की सेवाएं कहा जाती है। अब यहाँ जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसे विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का प्रयोग किया है और आधुनिक समय में जो है बदलाव की गति जो है आसानी बहुत ज्यादा तीव्र हो गई। जिस तरह से शुरू में हम देखेंगे लैंडलाइन हुआ करता था, पहले हम लोग तार करते थे बूथ में जाकर या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर फोन द्वारा हम बात करते थे, धीरे धीरे फिर यह सेलुलर फोन आया, फिर इस तरह से फिर मोबाइल आया। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है संचार के साधनों में तीव्र गति से विकास हुआ है। फिर जैसे कि यहाँ पर दिया है संचार के साधन कौन कौन से हैं, जैसे हमने बताया दूर संचार, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस, सिनेमा आदि, ये सब क्या है संचार के प्रमुख साधन है। भारत का जो डाक तंत्र है वह भी विश्व का बहुत ही बड़ा एक जरिया है जिसके माध्यम से हम आसानी से चीजें पहुंचा सकते हैं, जैसे कि पार्सल है, निजी पत्र व्यवहार है, तार आदि संचालित इसके माध्यम से किया जाता है। पहले जो है कार्ड, लिफाफा, बंद चिट्ठी पहली श्रेणी के डाक में समझी जाती थी। पहले के लोग जो होते थे कार्ड में पत्र लिखते थे, लिफाफा बंद चिट्ठी लिखते थे और ये सब जो है डाक की जो है प्रथम श्रेणी में इसको रखा जाता था। फिर इनको जो था ये विभिन्न स्थान पर वायु यान द्वारा भी, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान है तो वहां पर हम वायु यान द्वारा, और द्वितीय श्रेणी में डाक को जिसमें रजिस्टर पैकेट है, किताबें, अखबार है, मैगजीन है, ये सारे दरअसल ये डाक द्वारा पहुंचाए जाते थे। जिस तरह से देखते हो गए कि हमारा जो पार्सल आता है एक स्थान से दूसरे, आप लोग अमेजोन या इस तरह से जो पार्सल मंगाते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान में आने के हमें जैसे वो बोलते हैं कि 10 दिन में पहुंच जाएगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आ रहा है संचार के माध्यम से हमने ऑर्डर किया, लेकिन ये जो है परिवहन के माध्यम से कहीं जलवायु यान के द्वारा, कहीं पर जल यान के द्वारा या फिर सड़क परिवहन या रेल परिवहन के माध्यम से ये जो है हमारे प्रदेश तक या फिर हमारे जिले तक या हमारे शहर तक ये पहुंचती है, जिसमें कि हम इन सबका प्रयोग करते हैं। फिर डाक संचार की शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं जिसे राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, इस तरह से ये चैनल बनाए गए हैं जिसमें कि भारी चैनल, दस्तावेज चैनल के नाम से इनको जाना जाता है। फिर दूर संचार के जो तंत्र हैं वो भारत में इसे अग्रणी है क्योंकि नगरीय क्षेत्र में इसके अतिरिक्त जो भारत में 2/3 से अधिक गाँव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे भारत सरकार ने भी देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा को विशेष प्रबंध किए गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर सूचना संचार के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी को भी समेकित विकास हो सका है, और यह क्यों हुआ है क्योंकि परिवहन के कारण ही या संचार के माध्यम के कारण ही हुआ है। फिर जन संचार मानव को हम मनोरंजन के साथ भी बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के विषय में जागरूक करता है, जैसे रेडियो है, दूरदर्शन, समाचार पत्र पत्रिका, किताबें भी इसमें चलचित्र द्वारा सम्मिलित हो जाती है। साथ ही साथ आकाशवाणी जो रेडियो जो है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में भी विभिन्न भावों में अनेक वर्गों में व्यक्तियों के लिए प्रसारित किया जाता है, जिससे कि अन्य भाषाई लोग जो है वह भी आसानी से इन सब चीजों का मनोरंजन के रूप में इसका प्रयोग कर सके, उनका मनोरंजन हो सके। फिर यहाँ पर देखेंगे दूरदर्शन जो है देश का राष्ट्रीय समाचार संदेश का माध्यम है क्योंकि इसमें विश्व में बृहत्तम संचार तंत्र का यह एक है, क्योंकि इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोग व्यक्तियों द्वारा मनोरंजन, ज्ञानवर्धक, खेल जगत सभी कार्यक्रम जो है इसके द्वारा प्रसारित किया जाता है। इसके माध्यम से हमको सारी जानकारियां जो है प्राप्त होती रहती हैं
कि देश विदेश के माध्यम से हमें ये प्राप्त होता है कि मतलब हम दूरदर्शन के माध्यम से क्या देखते हैं, देश की सारी जानकारियां जो है हमें प्राप्त हो जाती। जिस तरह से अभी आप लोग देख रहे हैं तालिबान ने अफगानिस्तान में आक्रमण किया, साथ में वहां कब्जा कर लिया, ये सारे हम किस के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, दूरदर्शन के माध्यम से ये सारी जानकारियां जो है हमें प्राप्त हो रही है। उसी तरह से भारत में विश्व सर्वाधिक चलचित्रों के का भी उत्पादन भी है, क्योंकि यहाँ पर कम अवधि वाली फिल्में भी हैं जो कि वीडियो फीचर फिल्म है, छोटी वीडियो फिल्में हैं, भारतीय विदेशी फिल्में भी प्रमाणित करके ये अधिकार जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को दी गई है। पहले वह उसको फिल्म को देखता है, प्रमाणित करता है, उसके बाद ही यह फिल्म जो है देश में दिखाई जाती है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह है राज्यों के बीच में भी होता है और दो देशों के बीच में भी व्यापार होता है, या आदान प्रदान वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है वह व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर इसका विनिमय होता है, मतलब हम वस्तुओं का जो विनिमय करेंगे कहां करेंगे, बाजार में करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें। उसी तरह से दो देशों के मध्य जब व्यापार होता है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राष्ट्रीय व्यापार किसको कहेंगे, जब राज्य के ही मतलब देश के ही दो राज्यों के बीच यदि व्यापार होगा तो वह राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, और यदि दो देशों के बीच यदि व्यापार होगा तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। इसी तरह से स्थानीय बाजार भी है, शहरों कस्बों और गांवों के मध्य भी व्यापार होता है, जो छोटे छोटे गांवों से उत्पादित वस्तुएं भी यहाँ पर मतलब शहरों में लाकर बेचते हैं। फिर सभी देश जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर साधनों की उपलब्धता जो है वह क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है, मतलब हर क्षेत्र में हर वस्तु का उत्पादन एक अलग अलग जगह में होता है, क्योंकि एक ही जगह यदि कहा जाए कि सारी वस्तुएं हमें आसानी से मिल जाए तो यह ऐसा नहीं होता है। कई विशेष स्थान होते हैं जहां पर उसी विशेष वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि कच्चा माल वहीं पर आसानी से प्राप्त हो सकता है। उसे अनुकूल व्यापार संतुलन भी किसको कहेंगे, जब आयात निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है हम निर्यात अधिक करेंगे और आयात कम करेंगे, तो यह अनुकूल व्यापार संतुलन। विपरीत कब होगा, जब हम निर्यात जो है निर्यात से हम कर विपरीत जो निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात जब करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, असंतुलित व्यापार कहलाएगा। तो देखेंगे विश्व के सभी भौगोलिक जो प्रदेश है व्यापारिक खंडों के साथ साथ भारत के व्यापारिक संबंध है किस किस से है। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कई वस्तुएं हैं, जैसे बहुमूल्य रत्न हैं, जवाहरात हैं, रसायन संबंधी उत्पाद वस्तुएं, कृषि संबंधी उत्पाद हैं, ये सारी चीजें जो हैं हम इनका व्यापार करते हैं। भारत में अब आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम है, उत्पाद रत्न जवाहरात आधार वस्तुएं, धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं, मतलब हम अपने देश से भी बाहर निर्यात करते हैं और बाहर से जो है बहुत सी वस्तुएं जो है आयात करते हैं। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में भारत जो है वह उभरा है, और साथ ही साथ यह सूचना जो है क्या है प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहा है। इस तरह से ये जो है ये क्या है हमारे विकास के लिए। फिर हम देखेंगे यहाँ पर पर्यटन एक व्यापार के रूप में, जो पर्यटन क्षेत्र है वह भी एक व्यापार के रूप में हम उसका उपयोग कर रहे हैं। किस तरह से कि यदि व्यक्ति जो है जब पर्यटन के लिए जाता है या कहीं देखने के लिए जाता है, घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी कई जगह ऐसे देखने लायक होते हैं जिसको पर्यटन की सीमा में रखा जाता है। जब हम वहां जाते हैं पर्यटन, तो उसको भी पर्यटन उद्योग के रूप में भी उसको विकसित किया गया है, जिसमें कि पर्यटन उद्योग में ये महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। साथ ही साथ पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता को भी यह प्रोत्साहित करता है। कई बार जैसे हम कान्हा जा रहे हैं, भेड़ाघाट जा रहे हैं, मदन महल जा रहे हैं, तो ये क्या है एक पर्यटन स्थल के रूप में इनको विकसित किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम जब दूसरे जगह जाते हैं वहां पर हमें संस्कृति और विरासत की समझ में विकसित करने में ये सहायक होते हैं। जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ की जो विरासत है उसको संरक्षित उन लोग करके रखते हैं, उसके बारे में सारी चीजें बताते हैं। इस तरह से विरासत जो है पर्यटक परिपर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। इसमें हम अपार संभावनाएं जो है वह पर्यटन उद्योग में विकसित विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा
देने का प्रयास